देखो बेसिकली सेटिंग्स टैब में ना यहाँ से आप नया वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप जब भी मोबाइल में अपने लॉगिन करोगे सो यू क्लिक ऑन चेक अपडेट एंड यू विल गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑन योर मोबाइल। फाइन, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विल क्लिक ऑन क्लिक टू कंटिन्यू। देन चलो उनको एक ऐसे केस ले लेते हैं जहाँ हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, एक्सीडेंट डिटेल्स जो ऑलरेडी फिल की हुई पुलिस ऑफिसर ने वो सारी दिखा देगा यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्ट, दिस इज द मेन सेक्शन दैट एमवीआई मोटर इंस्पेक्शन ऑफिसर और एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विल हैव टू फिल। ठीक है, ही हैव टू सेलेक्ट द व्हीकल। ये तमिलनाडु ने कोई एंट्री की है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उसने व्हीकल नंबर सेलेक्ट किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई। रजिस्ट्रेशन नंबर विल मेंशन वेदर इट इज़ अ परमानेंट और टेम्परेरी और ट्रेड सर्टिफिकेट। देखो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं होगी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप है वो कैसा है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है या ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर है। बट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विल नो कि रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप क्या है। देन क्लास ऑफ व्हीकल LNG बाद ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स ऑटोमेटिकली ऑनर एड्रेस ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर हम डाल देंगे। ये जो व्हीकल व्हीकल डिस्क्रिप्शन वेदर इट इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। दिस इज अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज दिस इज अ पर्सनल व्हीकल ओन्ड बाई अनलेडेड वेट नो स्पीड आरसी वैलिडिटी कब तक, आरसी की वैलिडिटी कब तक है, जो व्हीकल हमारा है उसकी वैलिडिटी कब तक है। विल सप्लाई ये हमारा 2000 31 तक। फाइन, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन यू विल पुट सीटिंग कैपेसिटी नेक्स्ट। उसके बाद लेंथ विड्थ हाइट ये आई थिंक इट शुड बी ऑटोमेटिकली पॉप अप फ्रॉम द वाहन डेटाबेस बट ठीक है, वो ये सारी चीज़ की नहीं है। दैट्स आई विल ब्रेक टाइप वेलिडिटी हाइट वाले एयर प्रेशर और मैकेनिकल कंडीशन ऑफ स्पीड एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक। देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है ये हमें बाद में भी खुद ही फिल करनी पड़ेगी क्योंकि जब वो एमवीआई इंस्पेक्ट कर रहा होगा तो वो चेक करेगा कि एफिशिएंसी ऑफ फुट ब्रेक हैंड ब्रेक वगैरह क्या क्या है। ये बेसिकली दीज आर वेरी टेक्निकल टर्म्स, इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी टर्म सो यू विल नॉट हैव टू वरी कि ये क्या क्या चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। वट आई विल डू, आई हैव वन एक्सेल फाइल इन विच ऑल दीज ड्रॉप डाउन एंड देयर वैल्यूज आर गिवन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो यू विल सी कि वट आर दीज बेसिकली ड्रॉप डाउन एंड दीज वैल्यूज एंड देयर पैरेलल मीनिंग इन हिंदी ऑल्सो। फाइन, सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू ऑल थ्रू दिस एक्सेल विच आई विल बेसिकली शेयर विद यू इन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। एक्सीडेंट ड्यू हैपन ड्यू टू व्हीकल डिफेक्ट रोड डिफेक्ट या बोथ। यहाँ पे बता सकते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ वो व्हीकल की वजह से हुआ या रोड डिफेक्ट की वजह से हुआ या दोनों की वजह से, विल मार्क दोनों की वजह से। ठीक है, रोड का भी वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब था, गड्ढे थे, मैकेनिकल फेलियर, लैक ऑफ लुब्रिकेशन, व्हीकल डिफेक्ट टाइप, ब्रेक्स थोड़े ख़राब थे, डिस्पोजिशन ऑफ व्हीकल कैन बी ड्रिवन अवे, टैक्स डिटेल्स, स्टीयरिंग कंडीशन, पावर स्टीयरिंग, डैमेज स्टेटस,
And we will fill all these information and then click on the save. So this is only the role of the MVA. ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद उसको इमेजेस वीडियो अपलोड करने हैं, वो इस पर क्लिक करेगा और वीडियोस वगैरह इमेजेस वगैरह ले सकता है व्हीकल की, ठीक है. सो दैट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एमवीए इंस्पेक्टर.